एवरीवन, साथियों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल VLDA कैंपस पर। और बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल अच्छे से और बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। किसके बारे में करेंगे जी? वो करेंगे हम VLDD के बारे में, ठीक है। VLDD का जो डिप्लोमा कोर्स है ये लुवास यूनिवर्सिटी हिसार आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज करती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आज पूरी हम डिटेल से इसको डिस्कशन करेंगे कि किस बेस पे फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है, कितने परसेंट मार्क्स की ज़रूरत है, क्या एज का क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है, क्या सिलेबस रहेगा, एग्ज़ाम कब होगा, काउंसलिंग कब होगी, फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, फीस कितनी होगी, ये सारी की सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर भी कर देना, और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। तो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो बच्चों, लुवास यूनिवर्सिटी का मैंने जिक्र किया, तो लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी है हिसार की, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी हिसार की, ठीक है। तो हिसार जो लुवास यूनिवर्सिटी, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल साइंस, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी, ठीक है। तो यहाँ हम बात करेंगे, सबसे पहली जो बात करेंगे, इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करेंगे कि कौन सी फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, क्या लास्ट डेट रहेगी, ठीक है। तो बच्चों, एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं 1/7/2022 से, ठीक है, और 28/7/2022 तक भरे जाएंगे। इस डेट को जो फॉर्म भरे जाएंगे बच्चों, ये आपके फॉर्म विदाउट लेट फीस भरे जाएंगे, इनमें किसी भी तरह की कोई भी लेट फीस आपकी नहीं लगेगी, और फॉर्म बच्चों आपके ऑनलाइन भरे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी डिटेल और इन्होंने दे रखी है, वो भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। विदाउट लेट फीस हम भर सकते हैं बच्चों 28/7 तक, और लेट फीस के साथ हम भर सकते हैं बच्चों 4/8/2022 तक, ठीक है। उसके बाद लेट फीस रहेगी कितनी? तो बच्चों, लेट फीस रहेगी 600 रुपये, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। और इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा बच्चों, VLDET 2022 का, वो होगा 11/9/2022 को, ठीक है। और इसके साथ साथ ये DVLT वाला केस आप छोड़ दो भाई, इसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ DVLT के बारे में करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेप रहेगा, काउंसलिंग की बात करते हैं, सीट अलॉटमेंट की बात करते हैं बच्चों, ये अलग बातें हैं, ठीक है ना, ये अलग बातें हैं, ये बाद की बातें हैं, जब हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा तब की बातें हैं। इसके साथ साथ बच्चों, छोटी सी बात और मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, इसकी फ़ीस कितनी रहेगी? जो नॉन रिफंडेबल फ़ीस है बच्चों सिंगल डिप्लोमा कोर्स की VLDD की, वो रहेगी 2000 रुपये, ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए और जो इन सर्विस कैंडिडेट हैं उनके लिए, GNCT दिल्ली के लिए, ठीक है, FESM PWD यानी फिजिकली हैंडीकैप जो है उनके लिए, ठीक है, SSB J&K रेजिडेंट के हैं, कश्मीरी माइग्रेट्स हैं, EWS विलेजेस रिवासा डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ के लिए, ठीक है। तो ये सारी रहेगी बच्चों, और इसके साथ साथ 500 रुपये जो फीस रहेगी वो रहेगी SC के लिए, डेप्राइड SC के लिए, ठीक है, BCA BCB के लिए, हरियाणा स्टेट की जो BCA BCB की कैटेगरीज हैं उनके लिए, ध्यान से देखते जाना, बिल्कुल लास्ट तक सारी डिटेल्स आपको दूंगा, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट है बच्चों, तो आप इन पे यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग कोई डाउट है तो इन नंबर्स पे कॉल करके उनसे बात कर सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन आपकी 1 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है, 28 तारीख तक बिना लेट फीस के भरे जाएंगे, फिर 4 अगस्त तक लेट फीस के साथ भरे जाएंगे, 2000 रुपये फीस हैं, लेट फीस के साथ 600 रुपये यानी 2600 रुपये फीस हो जाएगी, और 11/9/2022 को आपका एग्ज़ाम होगा। इतनी बातें हो गई, अब चलते हैं आगे, ठीक है बच्चों। पेमेंट आपकी ऑनलाइन होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और फीस है वो भी आप नेफ्ट करवा सकते हो, पेमेंट भी है नेफ्ट एंड RTA पेमेंट, वन बात की बातें हैं, ठीक है। फीस की बात करते हैं तो वो डिमांड ड्राफ्ट से भी आप कॉलेज में दे सकते हो, कॉलेज फीस की बात कर रहे हैं बच्चों, फॉर्म फीस आपकी ऑनलाइन भरी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन इन्होंने दे रखी हैं भाई, ये प्रोस्पेक्टस मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना भाई, ठीक है, वहाँ ये प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा। इन इंस्ट्रक्शंस को आप थोड़ा सा बारीकी से पढ़ लेना बच्चों, ठीक है, यहाँ कोई डाउट आपको लगे तो आप हमसे पूछ सकते हो जी,
इतनी बात समझ आ गई। बस एक इम्पोर्टेंट बात आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, पॉइंट नंबर 9। ये कहते हैं VLDT कैंडिडेट, पहले 8 देखो, VLDT कैंडिडेट हुज एप्लीकेशन फॉर्म इज रिजेक्टेड, जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा लास्ट डेट ऑफ सबमिशन के बाद 28/7/2022 को, वो दोबारा से अपना फॉर्म भर सकते हैं विद लेट फीस 4/8/2022 तक। यानी किसी कारणवश आपका फॉर्म अगर रिजेक्ट हो जाता है, 4/8/2022 तक आप फॉर्म भर सकते हो, ये बात इन्होंने कही है। ठीक है जी, समझ आ गई बात। और इसके बाद आपको कोई भी चांस नहीं मिलेगा, 4/8/2022 के बाद कोई भी चांस नहीं मिलेगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो BCA BCB के कैंडिडेट हैं उनको लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, 1/4/2022 के बाद का होना चाहिए बच्चों, ठीक है। इसके साथ साथ जो चिल्ड्रन पर्सन हैविंग ग्रोस एनुअल इनकम और उनकी इनकम 6 लाख रुपए से ज़्यादा ना हो, ये ध्यान रख लेना मेरे साथियों, ठीक है। इसी तरह से EWS वाले कैंडिडेट्स हैं उनको भी इनकम सर्टिफिकेट लेटेस्ट अपलोड करना होगा 1/4/2022 के बाद का, ध्यान रख लेना भाई इतनी बात, ठीक है। इंपॉर्टेंट बातें बताता जा रहा हूँ, बाकी आप देख लेना भाई, ठीक है ना। ये फ़ोटो बच्चों आपको प्रिपेयर करवा के रखनी है, ये बाद की बातें हैं, और ये फोटो टेकन ऑन और आफ्टर 1/5/2022 के बाद की ये फ़ोटो होनी चाहिए, डेट लिखवा लेना इस पे, इतनी बात समझ आ गई जी, ठीक है। उसके बाद ये जो बातें हैं ये बाद की बातें हैं, बाकी आप पढ़ लेना, कुछ समझ ना आए तो पूछ लेना भाई, बस इतना बता सकता हूँ बच्चों मैं। इसके साथ साथ आगे देखते हैं, कोई अच्छी इंस्ट्रक्शन आएगी तो मैं आपको बता दूँ। हाँ, अब बात आती है एज लिमिट की, भाई एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आप पढ़ो ध्यान से, SC DSC BCA और BCB जिन बच्चों का जन्म 31/12/1995 को हुआ है, ठीक है, वो भर सकते हैं फॉर्म। और 31/12/2005 तक जिन बच्चों का जन्म हुआ है, इसके बीच में और इन डेट किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो वो ये फॉर्म भर सकता है, ठीक है। जनरल वालों के लिए क्या है, जनरल वालों के लिए ये रूल है जी, ध्यान से देख लो, जनरल और जो दूसरे कैंडिडेट है सर्विस वाले, वो 31/12/2000 और 31/12/2005 तक जो जन्मे हुए बच्चे हैं वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। और जो सर्विस में कैंडिडेट्स हैं उनकी मैक्सिमम एज 50 साल हो सकती है, 31/12/2022 तक 50 साल की मैक्सिमम एज तक वो अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज का इनका कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है बच्चों, ठीक है। और इसके साथ साथ VLDD और DVLT दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म भरे जाएंगे, इकट्ठे आप फॉर्म नहीं भर सकते, ये भी ध्यान रख लेना भाई, ठीक है जी। इसके बाद इंस्ट्रक्शन इन्होंने सुंदर सुंदर राइटिंग में हिंदी में लिख रखी हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। ये चीज़ें आप पढ़ लेना बच्चों, इनमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट बात आएगी, ये कुछ कॉलेजेज हैं प्राइवेट कॉलेजेज, ठीक है, इनसे रिलेटेड भी आप कोई जानकारी लेना चाहो तो ले सकते हो। हाँ, उसके बाद एक सिलेबस वाली चीज़ आपको दिखानी है बच्चों, भाई सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें आप पढ़ लेना सारी, ठीक है, समझ गए होंगे मेरी बात भाई। देखो बच्चों, फिर आगे नेक्स्ट इन्होंने क्या, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं VLDD का जिन बच्चों ने, ठीक है, सबसे पहली बात एडमिशन उन्हीं बच्चों का होगा जिन बच्चों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, बिना एंट्रेंस एग्जाम के किसी का भी एडमिशन नहीं होगा। उसके बाद मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी बच्चों, बड़े साफ शब्दों में इन्होंने मेंशन कर रखा है, ध्यान से पढ़ लो कि VLDD की बात कर रहे हैं सबसे पहले, तो VLDD में मेरे साथियों क्या रहने वाला है वो बात मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बता देता हूँ, ये लाइन ध्यान से पढ़ लेना बस और कुछ नहीं, कि +2 होनी चाहिए 12th, किससे, बायोलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी से या साइंस स्ट्रीम से, यानी PCM से, फिजिक्स केमिस्ट्री, और PCB से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। और इसके साथ साथ 10th क्लास में 60% नंबर होने चाहिए SC और DSC को छोड़ के, SC और DSC के कितने नंबर होने चाहिए, 57% होने चाहिए, 57% होने चाहिए, ठीक है बच्चों, ये भी यहाँ मेंशन कर रखा है। 12th पास हो, साइंस स्ट्रीम से हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, ठीक है। उसके बाद 10th में 60% नंबर होने चाहिए, SC और DSC वालों के 57%, और +2 की कोई कंडीशन नहीं है, अभी इतने नंबर होने चाहिए, ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आ गई, बहुत अच्छी बात है भाई।
उसके बाद अब जो बारी आती है हमारी सिलेबस की आती है, भाई सिलेबस क्या रहेगा एंट्रेंस टेस्ट का। एंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस रहेगा वो पैटर्न ये रहेगा, बच्चों ध्यान से देख लेना आंखें खोल के, फिर ना कहना बताया नहीं। सिलेबस रहेगा VLDD का क्या रहेगा, साइंस आएगी, मैथ आएगा। साइंस कितनी आएगी, 70 नंबर की आएगी। कितनी आएगी, 70 नंबर की, 70 ही क्वेश्चन आएंगे। 30 नंबर का मैथ आएगा, 30 ही नंबर के 30 ही क्वेश्चन आएंगे। 100 मार्क्स का टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद मेरे साथियों ये जो लाइन है जिसमें मैं अब सर्कल कर रहा हूँ, ये अच्छे से पढ़ लो। द सिलेबस फॉर VLDD एंट्रेंस टेस्ट 2022 विल बी ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड, यानी 10th क्लास का सिलेबस होगा आपका, 10th क्लास का सिलेबस साइंस का और मैथ्स का आपके टेस्ट में आएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद मेरे हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दी है, फिर भी चलो छोटी छोटी बातें और बता देता हूँ। टेस्ट है बच्चों 2 घंटे 15 मिनट का होगा, 30 मिनट आपको उसमें दी जाएगी अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए, OMR सीट भरने के लिए, साइन करने के लिए। 1 घंटा 45 मिनट आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो पेपर का मीडियम रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और एक फोटोग्राफ आपको लेके जाना है 4x6 का, ठीक है। 1/5/2022 के बाद का होना चाहिए, वो भी सेंटर पे साथ लेके जाना है बच्चों, ध्यान रख लेना, ठीक है। बैकग्राउंड वाइट करवा लेना उसका, बस यही बातें, बाकी आप पढ़ लेना भाई। कहीं आपको लगे इनमें से कोई ऐसी बात कि जो मेरे से छूट गई हो या आपका डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में भी बच्चों मेंशन कर सकते हो। बाकी के जो अपडेट्स है वो साथ साथ मैं आपको देता रहूँगा। और बच्चों अब हम जल्दी ही आप लोगों के लिए क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो क्लासेस भी इसी से रिलेटेड होगी, मैथ्स की क्लास और एक साइंस की क्लास, दो क्लास तो आपको कंपलसरी मिलेगी ही मिलेगी। जिन बच्चों को ये प्रोस्पेक्टस पूरी डिटेल के साथ पढ़ना है, उन बच्चों के लिए मैं ये प्रोस्पेक्टस हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना भाई। और बच्चों जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो ये चीज़ें भी रिक्वायरमेंट होगी, फ़ोटोग्राफ 10 से 200 KB का, सिग्नेचर 4 से 30 KB का, पोस्ट कार्ड फोटोग्राफ, ठीक है। ये फ़ोटो वाले अपने आप बना देंगे फॉर्म वाले, टेंशन नहीं लेनी। थंब इम्प्रेशन भी अपलोड होगा, और क्लास 10th और प्लस 2 के पासिंग सर्टिफिकेट, आपकी कैटेगरीज के सर्टिफिकेट भी अपलोड होंगे, ठीक है बच्चों। और फोटो क्या है, बिल्कुल साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए, समझ गए जी। ये बात आपको बड़े अच्छे से समझ लेनी है, ध्यान रख लेना। सिग्नेचर भी वाइट उस पर होने चाहिए पेज पे, ठीक है, और रनिंग हैंड में होने चाहिए, ध्यान रख लेना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है अभी यहाँ तक, उसके बाद चलो जी, अगर कोई आगे और बात आएगी तो वो भी बता दूंगा। फोटोग्राफ का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, ध्यान रख लेना, ठीक है, समझ गए जी। और जो फोटो आप साथ लेके जाओगे ना बच्चों, उस पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म और रोल नंबर और नेम मेंशन जरूर करना है, उसके पीछे बैक साइड में, ठीक है जी। हाँ, और एग्ज़ाम सेंटर भी बच्चों आप लोगों के अपलोड हो जाएंगे। इस तरह से फ़ोटो अपलोड नहीं करनी, इस तरह से साफ क्लियर फ़ोटो होना चाहिए, ना स्पेक्स लगाओगे ना कुछ, और प्लेन फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। जिनके नंबर वाला चश्मा लगाए वो लगा सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है, तो नेक्स्ट जो बात आती है बच्चों, वो आती है कि हम तैयारी कैसे करें। तो बच्चों सबसे पहली बात भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ज़रूर दबा देना। आपके जो मित्र प्यारे हैं, दोस्त हैं, इसकी तैयारी करना चाहते हैं या पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ भी इस चैनल का लिंक शेयर कर देना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ PDF फाइल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। मेहनत आपको करनी है, रास्ता हम दिखाएंगे, ठीक है। पिछली बार भी बच्चों हमारे लगभग 15 के आसपास यूनिवर्सिटी में एडमिशन थे, वो भी मैंने आप लोगों को बताई थी, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज में जो एडमिशन हुए थे वो हमने काउंट नहीं किए। कुल मिला के यार प्राइवेट वाले भी अगर आप ऐड करोगे तो 50 एडमिशन तो वो भी थे, ठीक है, समझ आ गई बात। तो बहुत मतलब हमने ये नहीं कहते भाई हम सारा कुछ अपने आप से गुणगान कर रहे हैं, जो स्टूडेंट हमसे पढ़े हैं वो भी आपको बता देंगे। बस वही बात है, हम आपको मोटिवेट कर सकते हैं, मेहनत आपकी रहेगी, मेहनत बच्चों आपको ही करनी पड़ेगी। स्टडी मटेरियल भी हम प्रोवाइड आपको करेंगे, बस टेंशन नहीं लेनी, रूटीन में अपना टाइम टेबल बना के और पढ़ना है। और जल्द ही बच्चों हम एक नई वीडियो क्लास के साथ मिलेंगे, किस तरह से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, कितना हमें पढ़ना चाहिए, कितना कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, पूरी स्ट्रेटजी के साथ एक नई वीडियो के साथ आपको मिलूंगा जल्द ही।
तो बच्चों ध्यान रखना, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना, अपने विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर व्यक्त करना, बस इतनी मदद जरूर करना कि वीडियो को शेयर कर देना दे दड़ादड़। ठीक है जी, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, अब मिलेंगे नई वीडियो क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।